12 ही आएगा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
So, इस तरह से आप जो है अपना प्रॉब्लम सम कुछ इजी स्टेप्स में, सिर्फ अगर आपका मेन पॉइंट यहाँ क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ किया, दिस शुड बी रिटन वेरी करेक्टली. यानी अगर यहाँ आपसे कोई भी गलती हो गई, मान लीजिए आपने माइनस की जगह प्लस लिख दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका पूरा सम जो होगा वो गलत हो सकता है. सो दैट इज व्हाई मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है उसका बेसिक समझाया, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, और एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको यही सॉल्व भी करके दिखा दिया. इसी तरह से जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते जाते हो वैसे वैसे उसको आप इक्वेशन में लिखते जाइए, तो आपका जो सम है वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व सम ऑफ द मोर हार्डेस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स. सो अगर आपको आपके पास एक्स्ट्रा बुक या बुक हो तो आप उनको लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा और घर पे प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.